हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ई ट्यूब ऑफ हर्षा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस ऑफ क्लास सिक्स, चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। सो एज द नेम सेज़ फूड, तो इस चैप्टर में हमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिलेगा कि फ़ूड क्या होता है, फ़ूड की वैरायटीज़ क्या क्या होती हैं और कैसे ये फ़ूड की वैरायटीज़ बनती हैं। साथ साथ में ये फ़ूड हमें मिलता कहाँ से है, मीन्स इसका सोर्स क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड क्या होता है? फूड मीन्स खाना, एनीथिंग विच कैन बी ईटन। कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं फॉर आर सर्वाइवल, फॉर द नरिशमेंट ऑफ आर बॉडी, है ना, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है खाना। हम सभी को पता है खाना हमारी लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो फूड क्या होता है? कुछ भी जो खाया जा सकता है उसे हम फूड कहते हैं। वी ऑल ईट फूड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, है ना। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि हम हर दिन एक ही तरीके का खाना खाते हैं। फूड की जो वैरायटीज़ होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। फूड वैरायटी, दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, फूड वैरायटी। व्हाट डज इट मीन? फूड यानी जो हम खाना खाते हैं उसकी वैरायटी कैसे बनती है, क्या मतलब है इसका? तो फूड की जो वैरायटी होती है, मतलब अलग अलग तरीके के जो खाने होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनमें पड़ने वाले चीज़ों से, जो सामान हम यूज़ करते हैं खाने को बनाने के लिए, उनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। मींस आपने जैसे राइस बनाया, तो राइस बनाने के लिए, बॉयल्ड राइस बनाया, आपको बॉयल्ड राइस के लिए क्या चाहिए? कच्चे चावल चाहिए और पानी चाहिए। तो कच्चे चावल और पानी, ये दोनों क्या हो गए? इंग्रेडिएंट्स हो गए, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ें होती हैं जिनके इस्तेमाल से हम कोई भी खाना बनाते हैं, कोई भी अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं, उनको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। अब इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के चेंज होने के बाद, सपोज़ आपने बॉयल्ड राइस बनाया, आपने सिर्फ कच्चे चावल और पानी का यूज़ किया, अभी आपको फ्राइड राइस बनाना है, तो फ्राइड राइस के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे? चावल तो होगा ही, पानी भी होगा, बट उसके साथ साथ उसमें और मसाले जाएंगे, है ना, वेजिटेबल्स जाएंगे, सॉसेस जाएंगे। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स बढ़ गए, और क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बढ़ गए, बदल गए, तो इस वजह से फूड की जो वैरायटी भी है वो चेंज हो गई। इन फर्स्ट केस इट वॉज जस्ट द बॉयल्ड राइस, इन द अदर केस अब हमने क्या बना लिया है? फ्राइड राइस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे फूड की वैरायटी जो है वो चेंज होती है। नाउ इन एक्टिविटी 2 आपको एक ये टेबल गिवन है जिसमें फूड आइटम्स मेंशन है और उनके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। तो इस तरीके से आप किसी भी फूड आइटम के इंग्रेडिएंट्स डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे रोटी या चपाती, क्या क्या यूज़ होता है रोटी की प्रिपरेशन में? आटा एंड वाटर, राइट। दाल, जो हम घर में दाल खाते हैं, है ना, उसमें क्या यूज़ होता है? पल्सेस, मींस जो दालें होती हैं, वाटर, सॉल्ट, ऑयल और घी एंड स्पाइसेस। सो इस तरीके से आप किसी भी फूड आइटम के इंग्रेडिएंट्स का पता लगा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज़ फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि फूड के में जो चीज़ें पड़ती हैं उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, है ना, ये जो सामान होता है ये हमें कहाँ से मिलता है, मींस इनके सोर्सेस क्या होते हैं, हमें ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ से मिलती हैं, तो वो इस चैप्टर इस टॉपिक में बताया गया है। लेट्स से फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, है ना, हम सोचते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें कहाँ से मिलते हैं। सो प्लांट्स ऑफ कोर्स, है ना, कहाँ से मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें? प्लांट से मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट? यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। सो आपने देखा होगा कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना, चना हो गया, ये सब कहाँ पे हमको कहाँ से मिलते हैं? ये सब हमें खेतों से मिलते हैं ना, खेतों में ये उगाए जाते हैं, ठीक है, खेत से हमें ये सब ग्रेन्स जो अनाज होते हैं वो मिलते हैं। तो क्या हो गया, हमें पता चल गया कि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं? प्लांट सोर्स से मिलते हैं, दीज आर ऑल प्लांट प्रोडक्ट्स। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोक एंड सच अदर्स विच आर
द एनिमल प्रोडक्ट्स, दीज कम फ्रॉम द एनिमल्स. तो ये एक एनिमल सोर्स से हमें मिलते हैं. सो इन एक्टिविटी 3 देर इज़ गिवन अ टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस. तो अब यहाँ पे फूड आइटम मेंशन है, उनका जो इंग्रेडिएंट्स उनमें जो मिल डलते हैं ना, ये फूड, ये खाने को बनाने के लिए, सपोज़ ये इडली है, इडली को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, है ना, इन सब चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है टू प्रिपेयर इडली, टू मेक इडली. तो अब राइस हो गया, राइस का क्या सोर्स है भाई, प्लांट है ना. उड़द दाल ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं, तो यहाँ पे सोर्सेस आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ चिकन करी. फॉर मेकिंग चिकन करी ऑफकोर्स चिकन इज़ नीडेड, है ना. चिकन क्या है, एक एनिमल सोर्स है. सिमिलरली ऑयल या घी उसमें यूज़ होता है, तो ऑयल जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है. कैसे प्लांट प्रोडक्ट है, बिकॉज जो ऑयल हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मस्टर्ड सीड से मिलता है. एंड मस्टर्ड, सरसों, वो कहाँ पर उगाई जाती है, खेतों में उगाई जाती है. घी, घी किससे बनता है, घी बनता है मिल्क से. इट इज़ अ एनिमल प्रोडक्ट. वाई, बिकॉज ये मिल्क को प्रोसेस करने से बनता है. सो ये एनिमल्स के थ्रू हमें मिलता है. नेक्स्ट इज़ खीर, है ना. तो इस तरीके से आप किसी भी फूड आइटम के इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे उसका जो सोर्स है वो डिटरमाइन कर सकते हैं. इस पैराग्राफ में भी यही मेंशन है कि द फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, है ना, अनाज हो गए, सब्जियां, फ्रूट्स हो गए, ये सारे जो होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं. एंड जो मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं. अब मिल्क हम सबको पता है, काउस, गोट्स एंड बफेलोज मिल्क प्रोवाइड करती है ना. इसी मिल्क को प्रोसेस करके क्या बनता है, बटर बन जाता है, क्रीम बन जाता है, चीज़, कर्ड. आपने घर में देखा होगा अपनी मम्मा को कि कैसे मिल्क से वो कर्ड बना लेती हैं, है ना. तो ये सब क्या है, ये सब भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं. वाई, बिकॉज दे आर कमिंग थ्रू दी एनिमल्स. नाउ प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. अभी क्या हम लोग ने डिस्कस किया, भाई प्लांट जो होता है उसके थ्रू हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर आर कंजम्पशन. अभी इस टॉपिक में क्या बताया गया है कि किस पार्ट को, मतलब प्लांट के किस पार्ट को हम कंज्यूम करते हैं, मतलब उसके लीव्स खाते हैं या उसकी सीड्स खाते हैं, उसके फ्रूट्स खाते हैं, क्या खाते हैं. वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, है ना, बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां हम खाते हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, सरसों हो गया. आपने घर में देखा होगा कई बार मम्मी कहती है ना हरी भरी सब्जियां खाओ, तो वो क्या, हरी भरी सब्जियों से क्या मतलब है, मीन्स प्लांट की पत्तियां खा रहे हैं हम, है ना, पत्तियों का यूज़ कर रहे हैं हम फॉर मेकिंग आर फूड. वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं, राइट. समटाइम्स रूट्स खाते हैं, स्टेम्स खाते हैं, और उनके फ्लावर्स तक हम खाते हैं. ये देखें यहाँ पे एक फ्लावर प्लांट का स्ट्रक्चर मेंशन है. तो बिलो ये जो रूट वाला सेक्शन है, रूट सिस्टम इसको बोलते हैं, और अबव रूट जितना भी होता है वो शूट सिस्टम होता है. शूट सिस्टम में क्या क्या आता है, स्टेम आ जाती है, लीफ आते हैं ना, ये कलियाँ आ जाती हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, लीव्स आ जाती हैं. और रूट्स में क्या होता है, रूट जो ये रूट होती है ना, एक मेन रूट होती है और ऐसे इसमें साइड में साइड रूट्स होती हैं ना. तो ये सारी चीज़ें भी हम अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स भी कंज्यूम करते हैं. सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल ईटेबल पार्ट्स. एडिबल का मीनिंग क्या है, ईटेबल, कुछ भी खाने लायक चीज़, है ना, जो चीज़ खाई जा सकती है उसको हम एडिबल कहते हैं. तो कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट के दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स भी हम खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने देखिए क्या मैंशन किया, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड दिस लीव्स आर यूज एज अ वेजिटेबल. सरसों, सरसों के सीड्स को यूज़ किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइट. और जो उसकी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, वो हम सब्जी की तरह से बना कर खाते हैं. सो हम लोग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग दी फूड. एक्टिविटी 4 में एक टेबल मेंशन है जिसमें फूड आइटम गिवन है, उसका इंग्रेडिएंट ऑफकोर्स जो उसमें चीज़ें पड़ेंगी, और वो चीज़ें हमें मिल कहाँ से रही हैं, प्लांट से मिल रही हैं, एनिमल से मिल रही हैं, वो सोर्स मेंशन किया हुआ है. और वो जो सोर्स है यानी जो प्लांट है उसका कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिंजल करी है ना, बैंगन की सब्ज़ी, तो बैंगन का यूज़ होगा. बैंगन क्या है, फ्रूट है, फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट है. इसमें जो चिलीज़ यूज़ करोगे आप, है ना, चिलीज़ आप यूज़ करोगे, वो भी फ्रूट्स हैं ऑफ दी प्लांट. वैसे तो चिली फ्रूट नहीं है, बट अगर आप पार्ट देखो प्लांट के
का कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं हम, तो इट इज़ अ फ्रूट, है ना। लीफ तो है नहीं चिली, ना ही रूट है, ना ही लीव्स हैं, ना ही उसकी स्टेम है ना, वो क्या है, एक फ्रूट है एक प्लांट का। सिमिलरली ऑयल यूज़ हो रहा है सब्ज़ी को बनाने के लिए, तो ऑयल कोई भी ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, सोयाबीन ऑयल हो सकता है, मूंगफली का तेल हो सकता है, तो ये सब क्या है, सीड्स हैं। तो ये सीड पार्ट हो गया प्लांट का, राइट। इन एक्टिविटी 5 टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, मूंग दाल होती है ना, ये चना होता है, काले वाले जो चने होते हैं। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि आप इन दालों को स्प्राउट्स भी बना सकते हो। इनका स्प्राउट्स आपने देखा होगा अपनी मम्मा को, कि कई बार वो इन दालों को रात भर के लिए भिगो देती हैं और फिर नेक्स्ट डे इसको वेट क्लॉथ में रैप करके इन दालों को साइड में रख दिया जाता है। अगर आप ऐसा करोगे तो एक दो दिन में आप देखोगे कि ये जो दालें हैं इनमें ये वाइट वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है ना, इसमें लंबे लंबे धागे जैसे निकल जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं स्प्राउट्स, है ना। ये जो सीड्स हैं ये स्प्राउटेड सीड्स बन जाती हैं। अब ये जो स्प्राउटेड सीड्स हैं ये हम खाने में यूज़ करते हैं, इनका कंजम्पशन हम करते हैं इन मेकिंग सैलड्स एंड अदर हेल्दियर वर्जन्स, ठीक है। इसको ये बहुत हेल्दी होते हैं खाने में, तो इस तरीके से हम जो सीड्स हैं उनको स्प्राउट कर सकते हैं, इस एक्टिविटी में यही बताया गया है। नाउ कम्स दी हनी, है ना। हनी हमें कैसे मिलता है, हनी हम सब जानते हैं, हनी बीज उसको प्रोड्यूस करती हैं। कैसे प्रोड्यूस करती हैं, वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर्स से, है ना। फ्लावर्स के जो स्वीट जूसेस होते हैं, रस होते हैं, उनको क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं और अपने हाइव में जाके मीन्स अपने छत्ते में जाके वो इन जूसेस को हनी के फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं और इसको यहीं पर ही स्टोर करती हैं। तो हमें हनी ऐसे मिलता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट डू एनिमल्स ईट। अभी हमने बात कर ली कि ह्यूमंस कैसे कैसे, हम लोग कैसे खाते हैं, हमारी फूड की वैरायटी कैसे कैसे बनती हैं, ठीक है। अब एनिमल्स भी हैं, एनिमल्स भी फूड पे डिपेंड करते हैं। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, फॉर एग्जांपल काऊ, बफेलो, है ना, हॉर्स, गोट, ये सारे एनिमल्स क्या हैं, सिर्फ प्लांट खाते हैं, घास खाती हैं, हरे भरे पत्ते खाते हैं ना। इनको हम घर में भी जो प्रिपेयर करते हैं, सपोज़ हमने रोटी बनाई तो ये रोटी भी खा लेते हैं। तो ये सब ये जो एनिमल्स हैं ये प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो ऐसे एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स कहते हैं। नाउ देयर आर सम एनिमल्स जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो अपने फूड के लिए किसी छोटे जानवरों को खाते हैं, है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। ये ग्रुप नंबर 2 में इन एनिमल्स को हम रखते हैं, ग्रुप नंबर 1 हर्बीवोर्स, ग्रुप नंबर 2 कार्निवोर्स। अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और छोटे एनिमल्स को भी खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ओमनीवोर्स। फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, है ना। ह्यूमंस भी जो होते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं, ठीक है। व्हाई, बिकॉज दे फीड अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। तो इस तरीके से एनिमल्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। We know that there are many among us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. Nothing important in this paragraph. इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि हमारी कंट्री में इतने सारे लोग हैं, है ना। सो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम सब के लिए एक अच्छी क्वांटिटी में जो है वो फूड अवेलेबल हो, ठीक है। क्विकली एक बार हम लोग इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमने डिस्कस किया, वो चीज़ें जिनको यूज़ करके हम कोई फूड प्रिपेयर करते हैं उनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। एडिबल मींस ईटेबल, समथिंग विच कैन बी ईटन, कुछ भी ऐसा जो खाने लायक है वो एडिबल होता है। नेक्टर, स्वीट जूसेस ऑफ द फ्लावर, है ना, जो हनी बीज कलेक्ट करती हैं फॉर मेकिंग हनी। स्प्राउटेड सीड्स, जो हम सीड्स को रात भर भिगो के रखते हैं और वो जो पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था अभी, वो उनको क्या कहते हैं, स्प्राउटेड सीड्स, मतलब अंकुरित जो हैं वो दाने, अंकुर निकल जाते हैं उनमें। हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर, 3 कैटेगरीज ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूडिंग पैटर्न, ठीक है। वो किस तरीके से खाना खाते हैं उसके बेसिस पे 3 कैटेगरी में हमने एनिमल्स को कैटेगराइज किया हुआ है। हर्बीवोर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ओमनीवोर एनिमल्स या ह्यूमंस जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं दोनों को ही खाते हैं।
तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया है। बहुत छोटू सा चैप्टर था ये, हमने फटाफट से फिनिश किया है। आई होप आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।